जनपद में किसान कल्याण मिशन के क्रियान्वयन संबंधित बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में सभी खंड विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, मंडी परिषद के उप निदेशक कौशल किशोर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 6 जनवरी से चलने वाले किसान कल्याण मिशन के तहत लगने वाले कृषि प्रदर्शनी के सफल आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी में ग्राम विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित प्रमुख उत्पादों का स्टॉल लगाया जाए, किसान गोष्ठी करके प्रगतिशील किसान को कृषि की वैज्ञानिक खेती एवं कृषि विभाग से जुड़े कृषि के प्रचार प्रसार कर शासन को किसानोन्मुखी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाले कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में कृषि विभाग के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, सहकारिता, सिंचाई विभाग, सूक्ष्म लघु विभाग, विद्युत, ग्राम विकास, पंचायती राज, बाल विकास एवं पुष्टाहार सहित अन्य विभागों की अपनी अपनी योजनाओं से स्टॉल लगाने सहित मेले के सफल आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, हमने जो अभी आज की मीटिंग बुलाई है उसको हम शुरू करते हैं। और पहले तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका स्वागत है। नए साल की पहली मीटिंग आपके साथ, मैं इस मीटिंग में मैंने आज इस साल का एक रेजोल्यूशन किया है कि हर मीटिंग में शॉर्ट होगा, सिर्फ वीडियोस की छोड़ दें उनकी मैं लंबी मीटिंग किया करूँगा, बाकी विभाग वालों की मीटिंग में शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, 10 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा, बाकी कृषि विभाग बताएगा डिटेल। लेकिन मीटिंग का सेंस बता दूँ, देखिए हमारे जो सारे विभाग हैं हम लोग एक सेवा के लिए बने, उसमें जो अभी एक मिशन हमें चलाना है किसान कल्याण मिशन, नोट मत करिए आपको ये जियो कृषि विभाग बांटेगा, ठीक है, कॉपी देंगे विभाग, सिर्फ इसको आप इसका एसल समझिए। आपको जो किसान हैं उनकी समस्याओं को समझते हुए उसको हल करना है, अपनी सेवा में क्वालिटी लानी है। यहाँ पे मेरे पास पशुपालन विभाग है, बागवानी है, गन्ना है, बिजली विभाग है, मेरे खंड विकास अधिकारी है जो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और कृषि अपने केवीके में से भी होंगे, तो अलग अलग विभाग के लोग हैं, केवीके भी आए हैं। हमें किसानों को एक ऐसी लेवल ऑफ सर्विस देनी है कि ताकि उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। इसीलिए आज साल की पहली मीटिंग में हम लोग बैठे हैं इस सभागार में, ये फर्स्ट मीटिंग है, तो इसमें जो हम रेजोल्यूशन लेंगे उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करें। आपके विभाग की जो जो भी स्कीमें जो किसानों को टच करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी गुणवत्ता में आपको इम्प्रूवमेंट लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे गन्ना विभाग से कौन है बताइए, आप आए, आपने एक मीटिंग में से दोबारा भी करानी है, मुझे एक रिपोर्ट आ गई है जो फ्राइडे हुई थी। तो गन्ना विभाग को जो अभी आपका सोइंग कब शुरू हो रहा है, 15 फरवरी से हो रहा है, 20 जनवरी के बाद इनका क्या होना, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि 20 जनवरी के बाद गन्ने की बुकाई शुरू होनी है, ठीक है। जैसे शुरू होगी तो अगर टाइम पे बीज ये दे देते हैं, अपनी स्कीम के बारे में किसानों को बता देते हैं, जैसे इनकी स्कीम में क्या है कि ये फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड से लेके 50% बीज से लेके 50% पे देते हो सब्सिडी, बीज सब नहीं दे रहे हो। आपका किसानों से संवाद बहुत जरूरी है, आप सब लोग कितने बैठे सुन रहे हैं, आप जाइए फील्ड में किसानों से संवाद करिए, मुझे बताइए कोई समस्या नहीं होती, हमें हल करनी है उनकी हर समस्या को हमें हल करना कि किसान कल्याण मिशन में आपको क्या क्या करना है, बहुत डिटेल है। जैसे कृषि विभाग का पहला हफ्ता देखिए, फसल बीमा योजना आप देखिए, केसीसी का जो है समस्या बैंक देखेगा, आपकी तरफ जो भेजना है वो आपको इसमें है, और कृषि विभाग को जो बीज पे करना है, प्राणी प्रबंधन को लेके है, जैविक खेती को लेके है इनका, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में आपको बताना है,
और मंडी परिषद से अगर कोई हमारे पास है जो खरीद करते हैं आप हैं तो आपको मंडी का जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसको किसानों तक पहुंचाना है। जहाँ विभाग से भी आए नोट कर लेना, कोई जो नहीं आए मिनट से जारी होंगे इसके साथ। और इसमें जो उद्यान विभाग की आपकी माइक्रो इरीगेशन है, गोष्ठियाँ कर दी हैं और जो चीज़ें वो बताएंगे। पशुपालन विभाग से कौन है, टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईओ साहब नहीं आए, कहाँ सीईओ साहब? क्रेडिट में भी जा रहे हैं, ठीक है, मुझे ही लेनी है। किसान क्रेडिट कार्ड है, बैकयार्ड आपका पोल्ट्री है, ये सब बताना है, बहुत डिटेल में है। गन्ना विभाग देख लीजिए, आपका जो एरिया है गन्ना के अंतर्गत 3000 हेक्टेयर का टारगेट है, इसमें क्या है अभी? अभी सर 5000 हेक्टेयर का अचीव इस बार करना ही है आपको, मैं डेली ही करूंगा। आइए भाई, बहुत बढ़िया हो गया, आप आ गए, आप आपका डेट करें, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। फिर आ गया अपना पूर्ति विभाग, खास खाद है रसद वाला आ गया, इनका आपको जो तिलहन दलहन की कटाई के समय जो कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं एमएसपी पे आपको काम करना है। और हमारा पंचायती राज विभाग है जिसमें हमारा जबी आजीविका मिशन पे काम करना है। तो हर विभाग को, सिंचाई विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिजली विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी करवानी है, ये भी सुन लीजिए। आपको हर कार्यक्रम में आपकी जनप्रतिनिधि सहभागिता होनी चाहिए, मैं इसमें बहुत सीरियस होगा, महिलाओं की सहभागिता और प्रचार प्रसार। ये जो किसान कल्याण मिशन है इसको हमें जनपद स्तर पर सबसे ऊपर करना है। इसमें मेरे निर्देशानुसार डीडी एग्रीकल्चर इस पूरे को कम्प्लीट करेंगे, विभाग बार सबको समझाएंगे, सबको जियो दे दिया गया है, मिनट शाम तक उससे साइन करा लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसकी रोज मॉनिटरिंग करूँगा, डेली मॉनिटरिंग करूंगा, इसमें क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। डीडी एग्रीकल्चर साहब मेरी तरफ से इसको बहुत मान्यूटली देखेंगे, मैं इनसे पूछूंगा। अभी इनको मैंने गन्ना विभाग के साथ जोड़ा है, उन्होंने बहुत अच्छा फ्राइडे मुझे फीडबैक दिया है, सैटरडे में उसको मैं अभी इम्प्लीमेंट कराऊंगा। और गन्ना विभाग की एक मीटिंग अब इसी हफ्ते यहाँ पे, जो विभाग पीछे रह जाएगा उसको यहाँ बुला के हम लोग काम कराएंगे, फील्ड में चलेंगे, फील्ड में काम कराएंगे। से ब्लॉक स्तर पे एक हम लोग प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं जो किसान मिशन के तहत है, और इसमें जो है कि सारे विभाग अपनी अपनी जो कार्य योजना है वो जो जो योजनाएं किसानों को के लिए चलाई जा रही है उसकी जानकारी देंगे और किसानों की समस्या को हल भी करेंगे और उस समस्याओं का जो है मौके पर निस्तारण करते हुए और उनके जो भी खेती को लेके कृषि को लेके कोई भी अगर वो अपनी समस्या सामने लाते हैं तो उसका हल करेंगे और जो जो सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। वैज्ञानिक उपकरणों का या जैविक जो विधि से खेती होता है उसके बारे में? हाँ, इसमें क्या किया गया कि पशुपालन विभाग है हमारे पास, हमारे जो पंचायती राज विभाग है, गन्ना विभाग है, आपके जितने भी विभाग कृषि से लिंक है या योजना चला रहे हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के एक साथ किसानों के साथ जोड़ा जाना है। उसमें केवी है जिसमें वो जैविक कृषि के बारे में बताएंगे, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताएंगे और इंटीग्रेटेड कृषि कैसे करनी है वो उसके बारे में बताएंगे।